बुलंदशहर के थाना जंगीराबाद क्षेत्र के गांव रोड़ा में बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मी की करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक के पुत्र ने जेई सहित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मामला बुलंदशहर के थाना जंगीराबाद क्षेत्र के गांव जोगुसाना का है, जहां एक बिजली विभाग के संविदा कर्मी की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब 26 अगस्त को जोगुसाना कला गांव में बिजली लाइन में कमी आने की शिकायत पर संविदा कर्मी मांगेराम बिजली घर से शटडाउन लेकर बिजली के खंभे पर चढ़कर बिजली की लाइन को सही कर रहा था और इसी दौरान पीछे करंट छोड़े जाने से मृतक करंट की चपेट में आ गया, जिससे मांगेराम काफी देर तक इलेक्ट्रिक पोल पर ही लटका रहा और बेहोश हो गया। आनंद फानन में बिजली घर को सूचना दी गई और मौके पर आए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने खंभे पर चढ़कर घायल संविदा कर्मी को नीचे उतारा गया और हॉस्पिटल इलाज के ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां आज इलाज के दौरान मांगेराम की मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने जेई सहित 2 TG2 व 1 ठेकेदार के खिलाफ शटडाउन के बाद भी लाइन चालू करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मैं विकल सिंह सनोत रूप सिंह ग्राम किशनपुर कोट सिवाली जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मांगेराम सनोत, मेरा भाई मांगेराम सनोत रूप सिंह जो कि UPCL के तहत रोड़ा बिजली घर पर दुकसाना कला के लिए तार जोड़ने के लिए तरोसी घर के तहत ड्यूटी पर गए थे। पीछे से उन्होंने लाइन लगा दी जानबूझकर और उपचार के दौरान उनकी 28/8/2020 को मौत हो गई, जिसमें मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में ऐसा है चक्कर काट रहा हूँ, कोई भी सहायता ना हो पा रही, जिसमें जेई अमर सिंह, PG2 सुंदर व विपिन वे ठेकेदार कंपनी जिम्मेदार हैं। सूबे की सरकार जहां विद्युत विभाग को लेकर एक्टिव नजर आई है, वहीं विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, मामला जहांगीराबाद का है, जहाँ एक संविदा कर्मी लाइन को ठीक कर रहा था। पीछे से करंट छोड़े जाने के बाद संविदा कर्मी करंट की चपेट में आने से उसकी हालत गंभीर हो गई। आनंद फानन में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी के बुलंदशहर में सीवर लाइन की खुदाई के दौरान मिट्टी की ढाई गिरने से मजदूर की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब खुदाई के लिए मजदूर को गहरे गड्ढे में उतारा गया। मृतक की मौत से मृतक परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि मृतक के परिजनों ने सीवर खुदाई का कार्य करने वाले इंजीनियर और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें मृतक की मौत का जिम्मेदार बताया है। बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के मानसरोवर कॉलोनी में खुदाई के दौरान मिट्टी की ढाई गिरने से मौत हुई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक को बिना सेफ्टी किट दिए कार्य कराया जा रहा था। जिसके कारण हादसे में उसकी मौत हुई है। सर ये हुआ था, ये मजदूरी करते थे, यहाँ कोई सिविल लाइन का काम चल रहा था, रिलायंस पेट्रोल के पास कोई कॉलोनी है उसमें। अब उसमें लड़का वो काम कर रहा था, कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं थी, कोई वहाँ सुविधा नहीं थी लड़के के लिए, और भी मजदूर काम कर रहे थे वो। अब वो मिट्टी गिर गई उसके नीचे, दबके आगे 2 लड़के दबे थे उसके नीचे, एक बच गया था किसी तरह से, एक रह गया था उसके नीचे। क्या नाम है इनका, जिनकी रह गई? मोहम्मद साहिद साजिद नाम है इसका। तो आपके क्या लगते हैं? मेरा छोटा भाई है वो। तो ये बताइए कि अभी कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया? अभी फिलहाल तो कोई नहीं आया, लेकिन अभी हमारे एक छोटे हैं वो अधिकारी, वो आए हुए थे यहाँ, उन्होंने जो भी पोस्टमार्टम वगैरह कराया था। अब देखो सुबह क्या करते हैं, FIR करते हैं, क्या करते हैं उसके लिए, कुछ कार्रवाई आगे करेंगे सुबह। बताया जा रहा है कि मृतक साजिद के परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और साजिद ही मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था।
फिलहाल पंचनामा की कार्रवाई के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि अभी तक मृतक के परिवार की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। सीवर के लिए चल रही खुदाई के वक्त मजदूर की तब मौत हो गई जब मजदूर को गड्ढे में उतार दिया गया। उसी दौरान मजदूर के ऊपर एक मिट्टी की ढाई गिर गई और मजदूर की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि इसमें इंजीनियर और ठेकेदार की कहीं ना कहीं लापरवाही है। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। टाइम 24 न्यूज के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।